एक तरफ देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 लाख पार कर गई है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने कोरोना विस्फोट को नियंत्रित करने के लगातार सख्ती बढ़ानी शुरू कर दी है। लेकिन कोरोना है कि मानता ही नहीं, अब बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के पुलिस मुख्यालय से आई है, जहां देश में अपनी खास पुलिसिंग और तेज तर्रार इमेज के लिए लाखों लोगों के रोल मॉडल बन चुके IPS अधिकारी नवनीत सिकेरा कोरोना संक्रमित पाए गए। हालांकि खबर मीडिया में आने के बाद लखनऊ में काफी तेजी से वायरल हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने आधिकारिक तौर पर उनके संक्रमित होने की पुष्टि अभी तक नहीं की है। आपको बता दें कि IG नवनीत सिकेरा लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में पदस्थ हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों सहित लखनऊ शहर में कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, और आज जैसे ही IPS सिकेरा से जुड़ी एक खबर सामने आई तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन खबर पुख्ता थी और रिपोर्ट सामने आते ही उन्हें आनंदी वाटर पार्क के कोविड सेंटर में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में अब तक 46 मौतें हो चुकी हैं। हालत ये है कि IPS नवनीत सिकेरा जैसे बेहद जागरूक और कोरोना जागरूकता में सक्रिय भूमिका निभा रहे अधिकारी को ही इस जानलेवा वायरस ने जकड़ लिया है। अब डॉक्टर्स उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए लगातार ट्रीटमेंट दे रहे हैं। देश भर में मौजूद IPS सिकेरा के फॉलोअर्स और पुलिस महकमे के लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। अब तक की रिपोर्ट की बात करें तो अकेले लखनऊ में ही शुक्रवार को BJP विधायक समेत 151 लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं। जय भीम TV भी उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार और बेहतरीन पुलिसिंग में एक्सपर्ट IPS नवनीत सिकेरा के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भीम TV।